अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो डेफिनेशन है वो उसके नाम से ही जाहिर हो रही है। ग्लाइको मींस ग्लूकोस एंड लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। अब इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में ग्लूकोस की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोस अल्टीमेटली बन जाता है पाइरूवेट मॉलिक्यूल में। अब इसके हम फ्लैश बैक या रिव्यू की तरफ जाते हैं। जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे पहले सलाइवरी एंजाइम्स के ज़रिए उसकी मेटाबॉलिज्म वो होते हैं ब्रेकडाउन होती है। पॉलीसेक्राइड्स वो जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं, उनकी डाइजेशन होती है। वो फिर इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी वो होती है, फर्दर डाइजेशन होती है। और मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में होते हुए ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और फिर सेल्स के अंदर चले जाते हैं। तो सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होता है, ये एक BCQ का सवाल है और वाइवा में भी पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो किधर होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, इसका ये जवाब होगा, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो जैसे ही ग्लूकोस मॉलिक्यूल सेल के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर इसकी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, मतलब इसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है ग्लूकोस का, और ये पाइरूवेट बना देता है। एक ग्लूकोस जो है वो दो पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनाता है और ये पाइरूवेट जो है फिर फर्दर क्रैब्स साइकिल में जाता है। क्रैब्स साइकिल के ज़रिए फिर ये एक अलग टॉपिक है क्रैब्स साइकिल। फिर क्रैब्स साइकिल के बाद वो आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इनका जो इन तीनों प्रोसेस का जो गोल होता है, मेन गोल जो होता है वो होता है ATP प्रोड्यूस करना, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये मेन बात आ जाती है। अब ग्लूकोस जो है वो क्या होता है, 6-कार्बन कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है, मेटाबोलाइज होके 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनाता है जो कि 3-कार्बन, 1 पाइरूवेट मॉलिक्यूल 3-कार्बन कंपाउंड है। अब इसमें ग्लाइकोलाइसिस के 3 फेजेस होते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, स्प्रेडिंग फेज और एनर्जी जनरेशन फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज जो है वो नाम से जाहिर हो रहा है, इसके अंदर एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट हो रही है, मतलब एनर्जी यूज हो रही है फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ATP से ADP बन रहा है, ATP जो है वो यूज हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है और ADP बना रही है। इधर भी इस वाले स्टेप में भी यही हो रहा है, जब ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस है। अब ये शुरू किस तरीके से होता है, जब ग्लूकोस के ऊपर एंजाइम जो है हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस या हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस एंजाइम जो है एक्ट करेंगे तो वो ग्लूकोस 6-फॉस्फेट में टर्न हो जाएगा। अब हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस का क्या फ़र्क है, हेक्सोकाइनेस में ये फ़र्क है कि हेक्सोकाइनेस जो है वो कैलेक्टोस, ग्लूकोस, मैनोस, इस जितने भी वो हैं मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सब के लिए ये होता है। लेकिन अगर सिर्फ स्पेसिफिकली ग्लूकोस की वो हो रही है ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लूकोकाइनेस एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा और ग्लूकोस 6-फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब ग्लूकोस 6-फॉस्फेट जब बन जाएगा तो उसके अंदर इसी का एक बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर या कंपाउंड कह लें मॉलिक्यूल वो बन जाता है, फ्रक्टोस 6-फॉस्फेट। ये दोनों स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम होते हैं। जब इसको इनके लिए कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम होता है आइसोमेरेज जब ग्लूकोस 6-फॉस्फेट पे एक्ट करेगा तो वो उसको चेंज कर देगा फ्रक्टोस 6-फॉस्फेट में। फ्रक्टोस 6-फॉस्फेट के ऊपर फिर एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस जो कि फ्रक्टोस 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोस 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा और एनर्जी, इसमें ये एक एनर्जी यूज्ड अप स्टेप है, मतलब इसके अंदर ATP जो है वो ADP बन जाएगा, एनर्जी यूज्ड होगी तो ये फर्दर आगे बढ़ेगा, फ्रक्टोस 1,6-बिस्फॉस्फेट बनाएगा। यहाँ से लेकर ग्लूकोज से लेकर फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट तक हमारा जो फेज चल रहा हो उसे हम कहेंगे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, चूँकि इसके अंदर एनर्जी इन्वेस्ट हो रही थी। फिर जो एक स्टेप आता है उसको हम स्प्लिटिंग फेज कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रक्टोस 1,6-बिस्फॉस्फेट जो है वो एल्डोलेज एंजाइम की मदद से, मतलब एल्डोलेज एंजाइम जो है वो फ्रक्टोस 1,6-बिस्फॉस्फेट में एक्ट करेगा और इसको स्प्लिट कर देगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में और इसको करेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कर देगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेन चलती आ रही थी वो सारी 6-कार्बन कंपाउंड की चल रही थी, मतलब ये ग्लूकोज 6-कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट भी 6-कार्बन है और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट भी 6-कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट जो है वो भी 6-कार्बन कंपाउंड है। लेकिन जब यहाँ पे स्प्लिटिंग फेज के अंदर क्या होगा, स्प्लिटिंग फेज में जब ये दो डिवाइड वो हुआ, स्प्लिट हुआ ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में और ड्राईहाइड्रोक्सी एसीटोन में, एसीटोन फॉस्फेट में, तो ये दोनों क्या है, 3-कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3-कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3-कार्बन कंपाउंड है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एक दूसरे से,
आपस में एक्सचेंज होते रह सकते, रिवर्स हो सकते हैं। अब यहाँ से स्प्रेडिंग फेज के बाद जो फेज शुरू होता है वो होता है एनर्जी जनरेशन फेज, मतलब इधर एनर्जी जनरेट होगी, तो एनर्जी जनरेट होगी तो ये ग्लाइसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट जो है वो एंजाइम ग्लाइसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, पूरा वही एंजाइम नाम है, बस आगे डिहाइड्रोजिनेस आएगा। ये एंजाइम जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा ग्लाइसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट के ऊपर और 1,3-bisphosphoglycerate बनाएगा, 1,3-bisphosphoglycerate। इसमें क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है NAD पॉजिटिव, जो कि एक एनर्जी कंपाउंड है वो NADH बना देगा, जो एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, एनर्जी वो होगी प्रोड्यूस होगी। फिर 1,3-bisphosphoglycerate जो है वो उसके ऊपर एंजाइम को एक्ट करेगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, ये एंजाइम जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा 1,3-bisphosphoglycerate के ऊपर और ADP से ATP बना देगा, मतलब एनर्जी इसमें इस वाले स्टेप में भी एनर्जी जनरेट होगी, ATP बनेगा और ये 1,3-bisphosphoglycerate जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3-phosphoglycerate में। 3-phosphoglycerate के ऊपर फिर जब एंजाइम काम करेगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो है वो 3-phosphoglycerate को कन्वर्ट कर देगा 2-phosphoglycerate में, 2-phosphoglycerate में कर देगा। फिर इसके बाद फर्दर क्या होगा, एन्यूलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा 2-phosphoglycerate में और इसको कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोइनोल पाइरोवेट में, ये फॉस्फोइनोल पाइरोवेट जो है वो पाइरोवेट काइनेस एंजाइम की मदद से क्या करेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा, पाइरोवेट बना देगा फॉस्फोइनोल पाइरोवेट के ऊपर, पाइरोवेट काइनेस एंजाइम एक्ट करेगा और इसको पाइरोवेट बना देगा। और इधर इस वाले स्टेप में भी एडीपी जो है एडीपी से एटीपी बनेगा, मतलब इस इधर भी एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही होगी, तो ये भी इस वाले स्टेप में आप जैसे देख रहे हैं कि एनएडी पॉजिटिव से एनएडीएच बना, इस वाले स्टेप में एडीपी से एटीपी बना और इधर भी एडीपी से एटीपी बना, तो ये एनर्जी जनरेट हुई, जब इस स्टेप को कहते हैं एनर्जी जनरेशन फेज। फिर इसके बाद पाइरूवेट बन गया तो यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, उसकी मैं फर्दर डिटेल अभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो सेल्स के अंदर कैसी ग्लाइकोलाइसिस होगी, पूरा सेम यही ग्लाइकोलाइसिस होगी, लेकिन एंड जो एंड प्रोडक्ट होगा वो लैक्टेट होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के जरिए पाइरूवेट जो है वो लैक्टेट में वो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो एक नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो ये वाली ग्लाइकोलाइसिस होती है, पाइरूवेट में जाके एंड हो जाती है। फिर पाइरूवेट जो है वो बन जाता है इनिशियल प्रीकर्सर ऑफ क्रैब्स साइकिल का, मतलब फिर यहाँ पाइरूवेट से शुरू होते हैं क्रैब्स साइकिल, वो फिर एक अलग टॉपिक है। इसके अलावा हम और ये वायवा का और एक बीसीको का एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है कि एनर्जी येल्ड कितना होता है ग्लाइकोलाइसिस में, एनर्जी ये कितनी येल्ड होती है, तो हम इसका जवाब होता है कि 2 ATP के फॉर्म में होती है एनर्जी येल्ड और 1 NADH के फॉर्म में होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ADP से ATP बन रहा है, यहाँ पे भी ADP से ATP बन रहा है, एनर्जी येल्ड हो रही है, और यहाँ पे NAD पॉजिटिव से NADH बन रहा है, एनर्जी येल्ड हो रही है, तो इसकी एनर्जी येल्ड होगी 2 ATP मॉलिक्यूल एंड 1 NADH मॉलिक्यूल, ये हो गया। इसके अलावा एक इनहिबिटर्स की बात कर लेते हैं, इनहिबिटर्स भी होते हैं जो कि इस ग्लाइकोलाइसिस को रोकते हैं होने से, एक होता है फ्लोराइड जो कि क्या एन्यूलेस एंजाइम का वो है इनहिबिटर है, वो एन्यूलेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, तो 2-phosphoglycerate से फर्दर प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। इसके अलावा होता है आयोडो एसीटेट होता है, वो क्या करता है, वो हेक्सोकाइनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और ग्लाइकोलाइसिस हो ही नहीं पाती, क्योंकि ग्लूकोज कन्वर्ट ही नहीं हो पाता ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। तो यही सब जो है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, एक जो सारी इंपॉर्टेंट बातें उन्हें हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में यही है। होपफुली यू फाइंड दिस का वीडियो हेल्पफुल, थैंक यू।